आज की कक्षा में हम अपनी पाठ्य पुस्तक युवक भारती का स्वागत है पाठ के पीछे दिया हुआ अलंकार नामक मुद्दा, जो कि पेज नंबर 38 पे आपको दिया है। अलंकार का अर्थ है काव्य की शोभा बढ़ाने वाला कारक, गुण, जो सारे के सारे गुण काव्य की शोभा बढ़ाने वाले हैं, और धन तथा तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वह अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार स्वर्ण आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है, उसी प्रकार जिन साधनों से काव्य की सुंदरता में अभिवृद्धि होती है, वहां अलंकार की उत्पत्ति होती है। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम रस से इसकी तुलना करते हैं। रस आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को, कारक को, गुण को अलंकार कहते हैं, जबकि जो हमने रस पढ़ा था वो काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। और अलंकार का अर्थ है जो काव्य की शोभा बढ़ाए। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार रन प्रत्यक्षते, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। देखिए, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धनकार। यहाँ अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला। जैसे शिल्पकार जो शिल्प को सुसज्जित करता है, जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करती है, उसी प्रकार अलंकार, जिसे अलंकार कहते हैं, वे शब्द हैं जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। मुख्य रूप से अलंकार के तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार तथा उभयालंकार। इस कक्षा में हम सिर्फ शब्दालंकार का अध्ययन करेंगे और उसमें भी हम सिर्फ चार ही भेद इस कक्षा में करने वाले हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष तथा वक्रोक्ति। आज की कक्षा में हम अनुप्रास अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। अनुप्रास अलंकार का अर्थ है जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति, जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। थोड़ा और इसे समझते हैं। देखिए, अनुप्रास शब्द भी
दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस प्रास। यहाँ पर अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी वर्ण को बार बार लिखा जाता है और उससे जो काव्य में शोभा बढ़ती है, जो चमत्कार होता है किसी एक वर्ण की पुनरावृत्ति से या बार बार दोहराने से, तब जो काव्य की शोभा बढ़ती है वह अनुप्रास अलंकार की हमें कि वह काव्य अनुप्रास अलंकार है ऐसा हमें ज्ञात होता है। उदाहरण देखिए इसका, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का रचित यह उदाहरण हम देख रहे हैं। तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यहाँ पे त वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, त तरणी में, त तनुजा में, त तट में, त तमाल में तथा त तरुवर में। तो जब दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो तो वह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। और एक उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित ये पंक्तियां हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु च में भी चारु में च है, चंद्र में भी च है तथा चंचल में भी च है, तो च वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हुई है जिससे काव्य की शोभा बढ़ गई है। और एक उदाहरण देख लेते हैं, विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में सप्रीत। इसी प्रकार, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो यहाँ पर आप आपकी पुस्तक के दोनों उदाहरण अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि आपको पुस्तक के बाहर के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। पहले उदाहरण में त वर्ण की तरणी तनुजा में पुनरावृत्ति हुई है तथा चारु चंद्र की चंचल किरणों में च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, दोहराया गया है। अगला देखिए, वक्रोक्ति अलंकार। वक्ता के कथन द्वारा, वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा, माफ कीजिए, वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत आशय से चमत्कार पूर्ण भिन्न अर्थ लगाया, चमत्कार पूर्ण भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहां वक्रोक्ति अलंकार होगा। यहाँ पर कठिन शब्द हैं कुछ, जैसे अभिप्रेत। अभिप्रेत का अर्थ होता है
जानबूझकर आशय से, इच्छा से चमत्कार पूर्ण ऐसे कि भिन्न अर्थ लगाया जा सके, तो वह हो जाता है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। इसे समझ लेते हैं। वक्रोक्ति जो शब्द है वह वक्र और उक्ति दो शब्दों से मिलकर बना है। वक्र का अर्थ है टेढ़ा और उक्ति का अर्थ है कथन। वक्रोक्ति का अर्थ है टेढ़ी बात, जो बात कही गई है वो सीधे साधे सरल ढंग से न कहकर उसे टेढ़े रूप में, उसे विचित्र रूप में, उसे असहज रूप में जब हम प्रस्तुत करें तो वह वक्रोक्ति अलंकार होता है। जिस काव्य में किसी कथन का अर्थ जानबूझकर वक्ता के अभिप्राय से अलग लिया जाता है, अर्थात जो वक्ता ने कहा है उसे श्रोता जानबूझकर भिन्न अर्थ में ले, या जो वक्ता ने कहा है वह जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा ही अर्थ निकाले। फिर से समझाती हूँ, आपकी पुस्तक में शब्द थोड़े कठिन हैं पर अर्थ बहुत सरल है। जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करे, कल्पना करे या समझे, तब वक्रोक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर आपको दो उदाहरण दिए गए हैं, वह उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, उदाहरण देखते हैं। को तुम इत आए कहाँ, घनश्याम हो तो कितहु बरसो, चित चोर कहावत है हम तो, तह जाहू जहां धन है सरसो, रसिकेश नए रंगलाल भले। कहूं जाए लगो तिय के गरसो, बलि पे जो लखो मनमोहन है, पुनि पोरे लला पग क्यों परसो। देखिए यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि कवि क्या कह रहे हैं और अर्थ क्या है। यहाँ पहले जो उदाहरण में घनश्याम के दो अर्थ हैं, श्री कृष्ण और काले बादल। श्रोता द्वारा श्री कृष्ण अर्थ ग्रहण न करके काले बादल ग्रहण किया गया, अर्थात श्रोता ने
श्री कृष्ण न समझकर काले बादल समझा। उपयुक्त पंक्तियों में कृष्ण जब राधा से मिलने पहुंचते हैं तो अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि वे घनश्याम हैं। इस पर राधा कहती हैं कि यदि वे घनश्याम हैं अर्थात काले बादल हैं तो कहीं जाकर बरसें। यहाँ कृष्ण अपना नाम घनश्याम के रूप में बता रहे हैं जबकि राधा उनका नाम बादल के रूप में घनश्याम का अर्थ ले रही है। तो वक्रोक्ति में यही बात होती है कि किसी शब्द के अनेक अर्थ होने के कारण वक्ता अन्य अर्थ ग्रहण वक्ता के अर्थ से अन्य अर्थ समझा जाता है। इसी प्रकार इसी में कृष्ण जब अपना नाम दूसरी पंक्ति में कहते हैं चित चोर कहावत है हम तो चित चोर नाम बताने पर वह कहती हैं चोर हो तो वहां जाओ जहां धन है अर्थात तह जाहू जहां धन है सरसो। इस तरह घनश्याम और चित चोर का दूसरा अर्थ लिया गया है। घनश्याम का अर्थ काला बादल तथा आगे वो कहते हैं रसिकेश नए रंग लाल भले। तो राधा कहती है कि अगर रंग हो तो कहीं और जाके कहूं जाए लगो तियके गरसो। तो यहां पर जो अर्थ है उससे बिल्कुल विपरीत ही अर्थ लिया गया है। दूसरा देखिए यहाँ पर उदाहरण मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम ही उचित तप मो कहूं भोगू। इसका भावार्थ देखिए प्रभु के साथ रहते मेरी ओर कोई माफ कीजिएगा इसका मैंने पहली वाली पंक्ति इस आपके संत तुलसीदास के इस पंक्ति के पहले की पंक्ति का अर्थ कहा। अब मैं आपको मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू का अर्थ समझाती हूँ कि मैं सुकुमारी हूँ और नाथ वन के योग्य हैं तुम ही उचित तप और मुझे इस विषय में क्या भोग करना है ऐसा कहती हैं। यह संत तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरित मानस में लिखा हुआ है कि मैं सुकुमारी हूँ और मेरे नाथ वन के योग्य हैं। राम के साथ रहते हुए सीता कहती हैं कि मैं सुकुमारी हूँ और क्या मेरे नाथ वन के योग्य हैं। तो इस हिसाब से आपको तो तपस्या उचित है और मुझे विषयों का भोग। यह अयोध्या कांड से ली हुई पंक्तियां हैं।
इसी के साथ अलंकार, जो दोनों अलंकार आपके पेज नंबर 38 पर हैं, वह समाप्त होते हैं। आइए एक नया पाठ शुरू करते हैं हम आज की कक्षा में। नया पाठ आज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है तत्सत। लेखक परिचय। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। हम लेखक परिचय देख रहे हैं जैनेन्द्र कुमार जी का। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 को अलीगढ़ में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने ऋषभ ब्रह्मचार्य आश्रम हस्तिनापुर में इनकी हुई। उच्च शिक्षा के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रवेश लिया, लेकिन 1920 में वे असहयोग आंदोलन में सहभागी होने के कारण इन्हें अपनी शिक्षा छोड़ देनी पड़ी। आप हिंदी उपन्यास के इतिहास में मनोविश्लेषणात्मक परंपरा के प्रवर्तक माने जाते हैं। मनोविश्लेषण परंपरा होती है जिसमें मानव के मानसिक क्रियाएं एवं उसका व्यवहार कैसा है, इसके अध्ययन से संबंधित कार्य होते हैं। प्रवर्तक का अर्थ होता है जिसने किसी चीज की शुरुआत की हो। आपकी कहानियां किसी न किसी ऐसे मूल विचार तत्व को जगाती हैं जो जीवन की अतल स्पर्शी गहराई में सोई रहती है। अतल स्पर्शी का अर्थ होता है बहुत गहरा, अथाह, जिसके तल या गहराई तक पहुंचा ही न जा सकता हो, वह होती है अतल गहराई। तो इनकी कहानियां जो होती हैं वो जीवन की समस्याओं को बहुत ही सुंदर तरीके से अध्ययन करती हैं। आप पद्म भूषण से सम्मानित हैं और जैनेन्द्र जी की मृत्यु 1988 में हुई। प्रमुख कृतियां हैं इनकी त्यागपत्र, उपन्यास है कल्याणी, पाजेब, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, यह तीनों इनके
कहानी संग्रह है पाप और प्रकाश। यह इन्होंने नाटक लिखा है। मेरे भटकाव तथा ये और वे, ये और वे इनके द्वारा लिखा गया संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ होता है कोई चीज याद करके लिखना। ये हिंदी की ऐसी विधा है जिसमें लेखक अच्छी तरह या बार बार याद करके अपनी स्मृति के आधार पर किसी व्यक्ति या विषय के संबंध में लेख या ग्रंथ लिखता है, उसे संस्मरण कहते हैं। याद कर करके लिखना। साहित्य और संस्कृति, यह इनकी आलोचना है। यह भी एक विधा है हिंदी साहित्य की आलोचना, जिसे हम समीक्षा करना, इंग्लिश में क्रिटिसिज्म, क्रिटिसाइज करना कहते हैं। वह थी इनकी साहित्य और संस्कृति। आज जो हम पाठ पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम तत्सत है, वह एक कहानी गद्य साहित्य की एक कहानी है। जो देखिए, विधा परिचय मतलब किस तरीके से यह हिंदी साहित्य का यह जो भी आपके सामने पाठ है लिखा गया है, तो इस पाठ की विधा है कहानी। कहानी गद्य साहित्य की रोचक तथा अन्यतम विधा मानी जाती है। मानवीय संवेदना की अभिव्यक्ति तथा जीवन के यथार्थ का प्रस्तुतीकरण कहानी में होता है। जीवन की सच्चाइयां कहानी में होती हैं। और देखा जाए तो कहानी आम जिंदगी से देखी कोई घटना पर ही आधारित होती हैं अधिकतर। तो कहानी की क्या विशेषता है कि मनोरंजन के साथ साथ किसी न किसी घटना का चित्रण करना कहानी की विशेषता है। जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधानों को कहानियों में उजागर किया जाता है। समाज में व्याप्त कुरीतियां, रूढ़ियां तथा आडंबरों को समाप्त कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना, अर्थात ढोंगों को, ऐसी रीतियां जो बुरी रीतियां, ऐसे रूल्स, रीति मतलब रूल्स जो समाज में व्याप्त हैं, उन्हें समाप्त कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना करना कहानियों का उद्देश्य होता है। इसके बारे में अधिक जानकारी हम अगली कक्षा में प्राप्त करेंगे। आज समय समाप्त होता है।